हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेंस। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है, वर्ल्ड ऑफ वुमेंस की यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है, मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने सभी व्यूअर्स को, और मैं बहुत सारे ढेर सारे अपडेट्स लेके आने वाली हूँ। और जैसा कि मेरा चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेंस से है, तो वुमेंस का वर्ल्ड तो बहुत बड़ा होता है। लाइक कुछ पर्सनल टिप्स चाहिए होती हैं, कुछ मेकओवर टिप्स चाहिए होती हैं, कुछ पेरेंटिंग टिप्स चाहिए होती हैं, कुछ किचन टिप्स चाहिए होती हैं, कुछ डेकोर टिप्स चाहिए होती हैं, कुछ गार्डनिंग टिप्स चाहिए होती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी सारी टिप्स चाहिए होती हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट हो जाती हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूजा पाठ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो मैंने सोचा है कि इस महीने का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को मैं बहुत सारे अपडेट्स देती रहूँगी। तो पहले वीडियो मैंने आप लोगों के सामने बनाया था कि पुरुषोत्तम मास क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दान, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पुरुषोत्तम मास में आप दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो आप थोड़ा भी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप बहुत करेंगे तो फिर तो उसके रिजल्ट की कोई लिमिट ही नहीं है, अथाह आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहती हूँ कि इस महीने में आप किस किस चीज़ों का दान कर सकते हैं। आपको दान करना है दीपदान, सबसे महादान है इस महीने में। आप दीपक का दान कीजिए, मंदिर में आप दीप जलाइए, सुबह शाम जलाइए। और जो मंदिर के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी की सेवा करना सबसे अच्छा है, उनको दान करना, उनको दान देना, उनको घर पे बुला के भोजन कराना, ये सबसे अच्छा है। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना सबसे अच्छा है। अनाज का दान, किसी के घर में राशन नहीं है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसके घर का राशन भर दीजिए। गाय का दान सबसे अच्छा है, हाथी का दान सबसे अच्छा है, घोड़े का दान सबसे अच्छा है, सोने का दान सबसे अच्छा है, चांदी का दान सबसे अच्छा है, पानी का दान सबसे अच्छा है, और फलों का दान सबसे अच्छा है। भागवत का पाठ करना और सुनवाना, ये भी दान में ही आता है, तो ये भी करना, श्रवण करना सबसे अच्छा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हाथी घोड़ा गाय, तो हाथी घोड़ा गाय में अगर आप इनका दान नहीं कर सकते हैं सोने की चांदी की, तो आप मिट्टी के हाथी घोड़े गाय का भी दान कर सकते हैं, भगवान को मन में अपनी बात कह के कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये कुछ दान हैं। आप चावल का दान कीजिए, गेहूँ का दान कीजिए, राशन का दान कीजिए, ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए, और सबसे ज़्यादा कोढ़ियों की, यानी कि जिनको स्किन डिसीज़ होती है, कोढ़ की प्रॉब्लम होती है ना, कोढ़ियों की सेवा का अधिक महत्व है। तो आपको इन कुछ लोगों का इन कुछ दान करने हैं। ये जो दान हैं, इनको करने से आपके वंश में वृद्धि होती है, घर से बीमारी दरिद्रता दुख दूर होता है, घर में बरकत आती है, मन को सुकून मिलता है, और समाज में हिंदू धर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप श्रीमद् भागवत कथा करने के सामर्थ्य रखते हैं तो कृपया ज़रूर सुने और ज़रूर कराएं और लोगों को श्रवण कराएं। इसका जितना फल आपको मिलेगा उतना आपको किसी चीज़ का नहीं मिलेगा, और किसी भी भूखे का पेट भरने का जो आपको फल मिलेगा और जो सुकून मिलेगा, वह किसी भी दान को करने पे नहीं मिलेगा। तो ये मेरी कुछ छोटी छोटी बातें थी जिन्हें मैं चाहती हूँ कि आप, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब इनका भरपूर लाभ उठाएं, ऐसा करें ज़रूर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसमें आप सबका ही फ़ायदा है, और इसे प्लीज़ और प्लीज़ करिए। इससे हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, हिंदू धर्म की जो भी सभ्यताएँ हैं वो सब छिपती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। पर हमारी जनरेशन को ये पता होना चाहिए, आजकल की जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि अधिक मास क्या होता है, हम उसे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कारण क्या था। तो मैं आप लोगों को फिर भी बता दूँ एक छोटी सी स्टोरी कि इसके पीछे एक स्टोरी है कि मलमास का महीना जो है वो सबसे मल मतलब गंदा, यानी कि इसमें कुछ भी शुभ नहीं होता, अशुभता भरा ये महीना होता है। तो ये हुआ ऐसा था कि एक राक्षस था जिसने कुछ शर्तें रखी थी श्री हरि विष्णु जी के सामने कि उसे ना तो अस्त्र से मरना है, ना शस्त्र से मरना है, ना आकाश में मरना है, ना धरती पर मरना है, और ना ही किसी इंसान से मरना है, ना ही भगवान से मरना है। तो श्री हरि विष्णु जी ने नरसिंह अवतार धारण करके, नरसिंह जानवर और मनुष्य का मिक्स अवतार था, नरसिंह अवतार
और खम्बे को चीर के वो निकले थे। अपने घुटनों पे उन्होंने उसको लेटाया था, यानी कि ना वो धरती में मरा, ना आकाश में मरा, ना वो इंसान से मरा, ना वो जानवर से मरा, ना वो अस्त्र से मरा, ना शस्त्र से मरा, वो भगवान के नाखूनों से मरा। तो वो था वो मलमास, और उसकी एक इच्छा थी, भगवान ने उसे एक वरदान दिया था कि तुम्हारे इस बुरे उसको कोई ना याद करे, अच्छे उसमें लिया जाए इस महीने को। तो ये महीना 3 साल में एक बार आएगा और ये सबसे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति कराने वाला महीना होगा। जो कोई भी मेरी पूजा करेगा, श्री हरि विष्णु जी की नाम की माला जपेगा या उनको मनाएगा या उनकी पूजा करेगा, तो उसके उसकी एक पूजा का फल उसे 100 गुना होके मिलेगा। एक दीपक के दान का फल उसे 100 गुना होके मिलेगा। एक भूखे को खिलाने का फल उसे 100 भूखे को खिलाने के बराबर मिलेगा। एक बार श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना या श्रवण करना, उसे 100 बार भागवत कथा का पाठ करना या श्रवण करने के जितना पुण्य उसे प्राप्त होगा। तो ये इस महीने की खासियत है, इसे अपने बच्चों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। ये अभी आया है, अब 3 साल के बाद आएगा। यहाँ पे पल भर का भरोसा नहीं है, 3 साल बाद हम कहाँ होंगे, जिंदा होंगे नहीं होंगे, हमें कुछ नहीं पता। तो कम से कम मेरी आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों से इस महीने में दान पुण्य ज़रूर कराएं, खुद पति पत्नी मिलके दान पुण्य करें। आपके घर में वो चमत्कार देखने को मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। श्री हरि विष्णु जी को आपको इस कदर मनाना है कि माता लक्ष्मी धनतेरस का इंतज़ार ना करें आपके घर आने के लिए, नवरात्रि का भी इंतज़ार ना करें, और बस आ जाए श्री हरि विष्णु जी के साथ। आप सबके घर में स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास हो, मेरी बस यही मनोकामना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।